हेलो गाइस, बाला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की मशहूर हरी मिर्च और लाल मिर्च, लहसुन और अदरक की स्वादिष्ट चटनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। गाइस, हमने ये पाया लाल मिर्च ली है साबुत, और पाया ली है हरी मिर्च साबुत, और हमने कुछ लहसुन छील के रखा हुआ है पहले से, जिसे हमने एक दिन की पूरी धूप लगा ली है, और हमने ली है थोड़ी सी अदरक जिसको हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। गाइस, हमने ये जार लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे अदरक और फिर डाल देंगे हम इसी में लहसुन। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी पीस सकते हो। अब मैं इसको पीस लेती हूँ ना है इसको। ये हमारी अदरक और लहसुन अच्छे से थोड़ा मोटा मोटा हमने पीस लिया है, ठीक है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम लाल मिर्च और हरी मिर्चों को पीसेंगे मोटा मोटा। गाइस, अब हम लोग इसमें मिर्चे डालेंगे, मिर्चों को पीस लेंगे इसी जार में। गाइस, अब हमारी ये लाल मिर्च पीस के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से अब हम हरी मिर्चों को भी पीस लेंगे थोड़ा मोटा, ठीक है। हमने ये हरी मिर्च भी पीस ली है, इसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। गाइस, अब हमने ये अपना सामान पीस लिया है, एक साइड में रख लिया है। एक इधर कर दी तूने। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने इतना डालना है जितना कि अचार में हम लोग डालते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसी के साथ में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब जीरा हमारा लाल हो चुका है, इसी में हम अब अदरक का और लहसुन का ये पेस्ट डालेंगे, और इसको हम हल्के हल्के गैस पे हिलाएंगे हल्के हाथों से। इसको जब तक आपने पकाना है, जब तक ये थोड़ा लाल ना हो जाए, जल गया लाल हो जाओ। तो हमने ये कम गैस पे इसको पका रहे हैं। इसको हमने 5 से 10 मिनट तक पकाना है, जब तक ये अच्छे से कढ़ाई में लालपन ना दिखने लग जाए इसका। गाइस, अब हमारा ये मसाला थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हल्दी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है, ना मात्र ही। थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ डाल देंगे, जिससे कि इसके टेस्ट में चेंज आ जाए। अब इसको हम पिलाएंगे। अभी इसमें हम ये मिर्ची का जो पेस्ट बना के रखा है, इसको डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए गैस पे, तेज गैस पे पकने देंगे। गाइस, अब हम देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, इसमें जो तेल है वो कढ़ाई के चारों तरफ आ चुका है। इसका मतलब कि हमारी ये चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। गाइस, ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप सुबह के टाइम परोठों के साथ या फिर लस्सी चटनी इसके साथ खा सकते हो, ठीक है। अब इसको आप फ्रिज में सेव करके रख सकते हो। ये 1 से 1.5 महीने तक आपकी खराब नहीं होगी किसी भी प्रकार से, ठीक है। गाइस गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो चैनल पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।